हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे और आराम से अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों के स्कूल्स में कैसी चल रही है? ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है या ऑफलाइन चल रही है, या आपके यहाँ समर वैकेशंस पड़ चुकी हैं? तो बहुत से बच्चों के यहाँ से कमेंट्स आए कि सर हमारे यहाँ समर वैकेशंस पड़ चुकी हैं। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। और बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए कि सर हमारे स्कूल में कुछ भी नहीं चल रहा है जब से लॉकडाउन हुआ, जब से पढ़ाई हमारे यहाँ बंद पड़ी है। तो बच्चों ये सब स्कूल की कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि वो लोग पढ़ाई करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं। कुछ आप लोग समझते ही हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, पढ़ाई बंद है तो क्यों बंद है, रीजन क्या होते हैं, तो मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। तो अगर आप लीजिएगा, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं स्क्वायर की प्रॉपर्टी की बात करूँ, उसमें स्क्वायर की बात की है बच्चों, तो आपको मैंने पहले ही बताया स्क्वायर की ऑल साइड्स कैसी होती है, इक्वल। ऑल साइड्स इक्वल, ठीक, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, सेकंड पॉइंट हो गया। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स पता है ना, दोनों एक छोर से दूसरे छोर को जो मिलाते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल हो गई। थर्ड पॉइंट था बच्चों, थर्ड पॉइंट था द सम ऑफ इंटीरियर एंगल विल बी 360 डिग्री। बच्चों कितना हो जाएगा 360, ये फोर प्रॉपर्टी है बच्चों, ध्यान नहीं है। आइए बी पार्ट, एवरी पैरलोग्राम इज ए रेक्ट एंगल। बच्चों एवरी पैरलोग्राम इज ए रेक्ट एंगल, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, पैरलोग्राम की बात कर रहे हैं तो मैं पैरलोग्राम की बच्चों बात कर दूं, जो इसकी अपोजिट साइड्स होती है कैसी होती है, इक्वल होती है। देखिए ऐसे ये अपोजिट साइड्स हैं, ये साइड किसके इक्वल होगी, इसके साइड, और ये वाली किसके इक्वल होगी, इसके। यानी कि आप कह सकते हो कि ये अपोजिट साइड इसके इक्वल होगी, ये अपोजिट साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है बच्चों, चलिए, और अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल भी होंगी। बच्चों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, डायगोनल्स तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो डायगोनल्स तो हर, चाहे आप क्वाड्रिलेटर बनाइए, चाहे आप रेक्टेंगल बनाइए, आप स्क्वायर भी बनाइए, एक दूसरे को जो है ना ये क्या करेंगे, इक्वल काट, मतलब काटते ही हैं बच्चों। और अपोजिट एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल कौन सा होता है बच्चों, इसका अपोजिट एंगल ये हो गया, इसका अपोजिट एंगल क्या हो गया, ये हो गया, यानी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी की बात की। हम लोग बच्चों इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, सी पार्ट भाई बच्चों, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। अगर मैं रोम्बस की बात करूं बच्चों, तो अपोजिट एंगल इसमें भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स इसमें चारों कैसी होती है, इक्वल, ऑल साइड्स विल बी इक्वल होंगी इसमें।
अपोजिट साइड हमेशा क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और एक चीज का ध्यान रखना, जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पर काटेंगे। कहाँ काटेंगे? 90 डिग्री। देखिए मैं इसी में बता दूं, ये 90 डिग्री पर हमेशा काटेंगे एक दूसरे को। कितने पे काटते हैं? 90 डिग्री पे काटेंगे। और डायगोनल कभी भी इक्वल नहीं होंगे। समझ में आई बात? क्या कह रहा हूं मैं? डायगोनल नॉट इक्वल, डायगोनल कभी भी नॉट इक्वल, मतलब इक्वल नहीं होंगे बच्चों। चलिए ये हो गया सी पार्ट। डी पार्ट पे चलते हैं बच्चों। डी में क्या कह रहा है? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड ईच बाइसेक्ट ईच अदर। यस बिल्कुल, रेक्टेंगल हमेशा एक दूसरे को इक्वल डिस्टेंस पे काटेंगे और 90 डिग्री पर काटेंगे और हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे बच्चों, क्योंकि अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं ना। तो डायगोनल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ईच एंगल विल बी 90 डिग्री होगा और सम ऑफ इंटीरियर एंगल विल बी 360 डिग्री। ओके, आइए ई पार्ट पे ध्यान देंगे बच्चों। ई पार्ट में क्या कह रहा है? ए रेक्टेंगल इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। यस बिल्कुल, स्पेशल फॉर्म होती है। फॉल्स लिख देंगे यहां पर। क्या कह रहे हैं? फॉल्स। रेक्टेंगल का स्पेशल फॉर्म नहीं होती, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मैं एक यहां पर लाइन लिखा रहा हूं बच्चों, वो आप लोग नोट कर सकते हैं। सिर्फ स्क्वायर होता है बच्चों। क्या होता है? स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर इज ए स्पेशल स्पेशल ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का स्पेशल है बच्चों। क्यों है? क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हो गई है ना, फोर साइड्स इक्वल हो गई, एंगल 90 डिग्री हो गया, सम 360 डिग्री हो गया, इसके ऑपोजिट साइड्स मतलब साइड्स तो सारी इक्वल हो गई और इसके डायगोनल्स भी क्या होंगे? इक्वल। तो इसलिए इसको क्या कहें? स्पेशल हम लोग पैरेललोग्राम या स्पेशल ऑफ रेक्टेंगल का स्पेशल पार्ट कहते हैं। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। आइए सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर टू बच्चों देख रहे होंगे, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों सब एक बार। कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग फिगर्स एज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपिज्म, आइसोस्केल ट्रेपिज्म और अ काइट। आपको क्लासिफाई करना है, इनके नेम लिखने हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि सर ये तो काइट सी लग रही है हमको। काइट आपकी पतंग कैसी होती है? यही तो होती है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे बच्चों? ये काइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? काइट हो जाएगी। ये आपको देख के क्या लग रहा है बच्चों? दिस इज अ रेक्टेंगल। क्या है ये रेक्टेंगल है। क्यों भाई? ऑल साइड्स अपोजिट साइड इसमें कैसे होती है? इक्वल होते हैं। ईच एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री होती हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और बच्चों इसके डायगोनल्स कैसे होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। सी पार्ट आपको देख के पता चल रहा होगा, सर सी तो स्क्वायर लग रहा है। क्यों लग रहा है बच्चों? इसके ऑल साइड्स विल बी इक्वल होंगे। ऑल साइड्स क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। इसके अपोजिट इसके ऑल साइड्स इक्वल होंगे। ऑल एंगल्स 90 डिग्री होंगे। इसके डायगोनल्स हमेशा इक्वल होंगे। इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 डिग्री होगा और ईच एंगल विल बी 90 डिग्री होगा। क्लियर हो गया? अब सी पार्ट तो ये हो गया। डी पार्ट आप सब बच्चों देख रहे होंगे कि डी पार्ट तो सर हमको ट्रेपीजियम लग रहा है। ट्रेपीजियम यही होता है बच्चों। ट्रेपीजियम में मैं एक बार बता दूं आप लोगों को, जो ये हैं दोनों, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं ना। अपोजिट साइड्स हमेशा कैसी होती? नॉट इक्वल होती हैं। ध्यान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रेपीज। तो क्या नेम है इसका बच्चों? ट्रेपीजियम। और लास्ट वाला बच्चों आप देख रहे होंगे जो ई पार्ट लिखा है बच्चों, इसको कहते हैं आइसोस्केल ट्रेपीजियम। क्या कहते हैं? आइसोस्केल ट्रेपीजियम। क्यों कहते हैं? ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। क्यों? आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है? टू साइड्स क्या होती है उसमें? इक्वल। इसमें भी क्या? टू साइड्स इक्वल। ये देखिए यहाँ टू है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गई। ये देखिए ये टू लगे हुए, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। इसमें देखिए ये दोनों इक्वल हो गए और इसमें चारों इक्वल है तो सिंगल सिंगल है। यही पहचान है बच्चों। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोस्केल ट्रेपीजियम। आइसोस्केल ट्रेपीजियम। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बस छोटा सा है कि इसकी टू साइड्स इक्वल होंगी और इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, इतना दोनों में डिफरेंस है बच्चों। तो ये हमने बात की क्वेश्चन नंबर टू की। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ गए बच्चों हम। थर्ड में क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे एक बार, मैं आपको मैच करा दूंगा। कह रहा है मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी गिवन है। ए पार्ट पे आ गया हूं बच्चों मैं। ए में कह रहा है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। बच्चों अपोजिट साइड्स कैसी होती है? पैरेलल होती हैं और इक्वल होती है। मैंने आपको किसमें बताया था? ए वाले का थर्ड पार्ट मिला देंगे और थर्ड पार्ट क्या गिवन है? पैरेललोग्राम। बच्चों पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ये देखिए पैरेलल का साइन मैंने आपको बताया था ना इस तरीके से, और पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम तो ग्राम मीन्स ये लगा दीजिएगा। देखिए शॉर्ट तरीका ये होता है। आइए बी पार्ट पे चलते हैं। बी में क्या कह रहा है? ऑल एंगल्स इक्वल। यार ऑल एंगल्स इक्वल होते किसमें? सबसे पहली बात तो ये बताओ मुझे, रेक्टेंगल में कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के ऑल एंगल्स होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? क्योंकि देखिए रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री होते हैं
क्वाड्रिलेटरल में भी 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर में भी 90 डिग्री होते हैं, ना तो आपका यहां पर कहीं स्क्वायर दिया है ना आपका क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो कौन सा आंसर आ गया बच्चों, सेकंड आंसर आ गया मींस रेक्टेंगल। तो यह आप लोग सामने सामने लिखेंगे, कोई भी क्रॉस का साइन लगा के ना लिखे बच्चों। सी पार्ट पे आ जाइए, सी पार्ट कह रहा है आपसे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो डायगोनल राइट एंगल पर, राइट एंगल मींस 90 डिग्री के एंगल पर कट करता है, ये 90 डिग्री का, ये होता कौन करता है, रोम्बस की प्रॉपर्टी में मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों। तो आप सब जो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं उसमें से हर एक डेफिनेशन हर एक पॉइंट क्लियर करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे, तभी आप लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करी, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम बच्चों आ गए कौन से पे, फोर पे आ चुके हैं। फोर में कह रहा है नेम द इक्विलेटर ट्रायंगल राइट एंगल रेक्टेंगल ट्रेपीजियम एंड द पैरेललोग्राम फ्रॉम द गिवन फिगर। आइए बच्चों, ये एक फिगर गिवन है, तो मैं इस फिगर को ड्रॉ कर दूं जरा। ये आप लोगों को बच्चों फिगर गिवन है, सब अपनी अपनी नोटबुक में ऐसे ही फिगर बनाएंगे। फटाफट आ जाइए बच्चों, हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। आइए, क्या क्या पूछा गया आप लोगों से, क्या क्या बताना है। एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसे फर्स्ट पॉइंट पे गिवन है, तो आइए बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर लूं मैं बच्चों। तो आप सब देख रहे हो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कि ए बी सी क्या है आप लोगों का, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए प्रॉपर्टी बता दूं बच्चों मैं, ध्यान रखना ऑल साइड्स थ्री साइड इसमें कैसे होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी पहले भी आप लोगों को कर चुके हैं, आप लोग थ्री साइड इसमें इक्वल होती हैं, ईच एंगल विल बी 60 डिग्री होगा, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल की बात करूं बच्चों कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि 6 3 जा कितना 18 है ना, और 180 डिग्री हो गया आप लोगों। तो क्या लिख देंगे बच्चों यहां पर आप लोग, ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल अब क्यों है ये भी लिखना पड़ेगा, गिवन ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल्स टू कितना बच्चों, सी ए। आइए, ये हमने किसकी बात की बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर ली हमने। आइए अब देखिए नंबर सेकंड पे गिवन है बच्चों आपको राइट एंगल राइट ट्रायंगल बच्चों। ठीक है, क्या गिवन है, ये फर्स्ट पॉइंट की बात की मैंने, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल की, यहां पॉइंट डाल के लिख देना आप लोग, यहां पर पॉइंट डालेंगे सब ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड क्या गिवन है बच्चों आप लोगों को बुक में, राइट एंगल राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल क्या होता है भाई, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो आपको कौन सा लग रहा है, देखिए यहां पर ये देखिए, इसके अलावा कोई है राइट एंगल राइट ट्रायंगल बताइए, इसके अलावा कोई राइट ट्रायंगल है क्या, नहीं है सर, यही है सिर्फ, है ना, ए सी डी। तो राइट ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, ए सी डी इज ए राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब ये है क्यों ये भी लिख देंगे कि एंगल सी कितना है सर यहां पर, 90 डिग्री है, ये देख लें 90 डिग्री, ये देखिए एंगल सी 90 डिग्री। ठीक, कंप्लीट हो गया बच्चों ये भी। थर्ड पॉइंट आ जाइए, थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया भाई, रेक्टेंगल की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट में किसकी बात करेंगे, रेक्टेंगल की बात करेंगे, इस तरीके से इसको सजा के लिखना है ना, बढ़िया डेकोरेट, हाँ बच्चों के काम होते हैं, रेक्टेंगल की बात करेंगे। आइए, रेक्टेंगल में क्या की भी ने? भाई रेक्टेंगल पे ध्यान दे, देखिए मुझे तो बहुत बड़ा नजर आ रहा है, ए सी जी एफ ए सी ई जी, देखिए ना ध्यान से, आप भी देख लीजिए ए सी ई जी,
प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड्स ऑलवेज इक्वल, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, या डायगोनल्स ऑलवेज इक्वल और सम ऑफ इंटीरियर एंगल विल बी 360 डिग्री, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल विल बी 90 डिग्री। तो बच्चों ये हमने इसकी प्रॉपर्टी की आप लोगों से बात कर ली है, तो आप लोग यहां पर लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, ए सी, देखिए ध्यान रखिए ए सी ई जी, बहुत से बच्चे गड़बड़ क्या करेंगे सर ए जी सी ई, गलत हो जाएगा, आपको मतलब जो नंबर वाइज लेने, देखो या तो आप यहां से शुरू करिए ए जी ई सी या ए सी ई जी ऐसे स्टार्ट कर दीजिए या जी ई सी ए, लेने नंबर वाइज है ना, तो मैं लिखूंगा ए सी ई जी इज ए रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल लिख दिया मैंने। तो बच्चों अब यहां पर जो हमें लिखना था कि क्यों है ये भी लिख दीजिए, है ना, सिंस सिंस लिखिए ए जी इक्वल्स टू कितना बच्चों सी ई, भाई ए जी किसके इक्वल हो गया सी ई के, एंड ए सी इक्वल टू किसके बच्चों जी ई के, ए सी इक्वल किसके बच्चों जी ई के, कंप्लीट हुआ आप लोगों का ये। चलिए कर ली बच्चों, इसके बाद जो आप लोगों को रेक्टेंगल के बाद गिवन है वो है ट्रेपीजियम, क्या गिवन है फोर्थ पॉइंट, ट्रेपीजियम की बात करनी है, ट्रेपीजियम। चलिए तो ट्रेपीजियम पे ध्यान देंगे बच्चों कि ट्रेपीजियम हमें कौन सा गिवन है, तो आप सब देख रहे होंगे बच्चों ए जी एफ सी, कौन सा, देखिए ध्यान से ए जी एफ सी क्या है बच्चों, ए जी एफ सी इज ए ट्रेपीजियम, ये क्या हो जाएगा ट्रेपीजियम हो जाएगा बच्चों, क्यों होगा भाई, क्यों होगा ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना, ट्रेपीजियम क्यों होगा, सिंस ए जी जो है बच्चों वो पैरेलल है किसके बच्चों सी एफ के, ए जी किसके पैरेलल है सी एफ के, यही तो बताया पैरेलल के साइन यही होते हैं, या यूं हो सकता है या यूं हो सकता है ना, तो ये क्या है बच्चों पैरेलल है, इसलिए क्या हो जाएगा ट्रेपीजियम हो गया। हमारा लास्ट पॉइंट जो बच्चों गिवन है वो गिवन है पैरेललोग्राम बच्चों, फिफ्थ पॉइंट क्या है पैरेललोग्राम, चलिए पैरेललोग्राम लिखेंगे, पैरेललोग्राम ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, मेरी जो है स्पेलिंग में मत जाना क्योंकि मैं अब ये वाला सही लिखता हूं मैं, है ना, बाकी आप लोग अपनी अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो तो सॉरी, बाकी आप लोग अपना ठीक लिखें, मैं तो ऐसे लिखता हूं शॉर्ट में, मैं ये ज्यादा यूज नहीं करता हूं, अब आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया, बाकी आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा। पैरेललोग्राम बच्चों पैरेललोग्राम बच्चों मैं यहां पे पैरेललोग्राम पे आ जाइए, तो पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों देख रहे होंगे आप लोग, ए जी एफ डी, देखिए ध्यान से ए जी एफ डी आप लोगों का क्या है पैरेललोग्राम, ए जी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, मैं शॉर्ट में लिखूंगा बार बार, ए जी एफ डी हमारा क्या है बच्चों पैरेललोग्राम है, अब क्यों है बच्चों, सिंस अपोजिट साइड्स बच्चों, अपोजिट क्या होती है बच्चों इसमें पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल एंड इक्वल, यही तो बताई थी पैरेललोग्राम में, तो ये क्वेश्चन नंबर फोर आपका बच्चों कंप्लीट हुआ। चलते हैं हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव की तरह, बच्चों आइए देखते हैं, ध्यान देंगे जरा, मैं बता दूं आप लोगों को, हाउ कैन यू अरेंज फॉर 30, 60, 90 सेट स्क्वायर टू फॉर्म अराउंड बट ड्रा इट इन योर नोटबुक बच्चों। तो मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है यहाँ पर कंपास वगैरह जिसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, आप लोग अभी फिलहाल इसको क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे। राइट द सिमिलैरिटी बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रोम्बस बच्चों। सिमिलैरिटी लिखनी है तो आप पीछे वाले पेज पर अगर जाएंगे
तो पेज नंबर मैं बता दूं बच्चों 104 से 105 पे आई जरा, 104 और 105 पेज नंबर पे आइए सब बच्चे। जरा देखिएगा जरा यहाँ पर क्या क्या पूछा गया, स्क्वायर और रोमबस। देखिए 105 पर देखिए स्क्वायर और रोमबस लिखा हुआ है, दोनों की प्रॉपर्टीज आप लोग लिख देंगे और वो सिमिलैरिटी हो जाएगी, दोनों के फिगर ड्रॉ कर देना। रेक्टेंगल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लिख देना बच्चों, और उसके बाद में थर्ड पॉइंट है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोमबस तीनों की प्रॉपर्टीज आप लोग लिखेंगे और वही आप लोगों की क्या हो जाएगी बच्चों, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। बच्चों तो रफ स्केच ड्रॉ करना है और अभी इसको आप लोग नहीं करेंगे, छोड़ दीजिएगा। स्टेट एंड डिफरेंस बिटवीन द इरेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, इलस्ट्रेट इट विल इट विद द हेल्प ऑफ द फिगर। बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्या क्या पूछा गया, हेक्सागन पूछा गया, तो अभी आप इन क्वेश्चन को रहने दीजिएगा, बाकी आप ये वर्क अपना कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने बात की बच्चों एक्सरसाइज कौन सी बात की है, 5.4 की, 5.5 की बात की बच्चों। तो कैसे आपसे कमेंट्स बताइए, आप लोगों की पढ़ाई यहाँ कैसी चल रही है, और घर में रहें, सुरक्षित रहें, फेस मास्क सैनिटाइजर का यूज़ करते रहें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचाएं। बचें, मैं हर वीडियो में आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाहर ना निकलें, अगर जरूरत पड़ रही है तभी निकलें, और पर भीड़ से बचें थोड़ा सा कोशिश करें। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों बात करेंगे एक्सरसाइज 5.6 की, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।